Hi. Good. Good boy. Good boy. चलो एक बार और. रोनो रोनो. Hi. 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 Good. गुड बॉय गुड बॉय. तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. मैं हूं सैकत. आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल वासना बर्ड चैनल में एक नया वीडियो में मैं करता हूं बहुत बहुत स्वागत. तो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत दिन बाद आज फिर से वीडियो लेके हाजिर हो चुके आप सभी के साथ. और सुबह से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था. और अभी तो बारिश थोड़ा देर के लिए बंद हो गया और इसीलिए वीडियो भी अधेरे में आके वीडियो भी शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए. मेरा जो हंस मैकाओ का पेयर है, उसका जो फीमेल है ना, वो बहुत दिन से प्लकिंग कर रहा था. प्लकिंग करते करते वो मतलब फेदर पूरा अपना निकाल लिया है. बहुत सारा मेडिसिन, बहुत सारा ट्रीटमेंट हम लोगों ने करके देख लिया उसके ऊपर, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा. उसका मेल तो पूरा का पूरा एडल्ट, मतलब दोनों ही पूरा का पूरा एडल्ट है. और मेल कंटिन्यूअसली मेटिंग करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फीमेल जो है उस कंडीशन में आने की वजह से वो ठीक से मेट नहीं हो पा रहा, इसीलिए उन लोगों का ब्रीडिंग भी नहीं आ रहा. तो इसीलिए मैंने ठीक किया कि और एक बार लास्ट में ट्राई करूंगा. मैंने बहुत जगह पढ़ा था, मैंने बहुत जगह सुना भी है कि अगर बहुत सा ओपन स्पेस उन लोगों को मिले फ्लाई करने के लिए, प्रॉब्लम खत्म हो सकता है. ठीक है, प्रॉब्लम ठीक हो सकता है. इसीलिए मैं क्या करूंगा, अपना इस ओपन एवेरी में उन लोग दोनों को ला के यहाँ पे रिलीज करूंगा, ताकि कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे तो धीरे धीरे उसका इंप्रूवमेंट होगा. अगर इंप्रूवमेंट हो गया तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा. और आप लोगों को भी अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग भी ऐसे करके अपना बर्ड्स को जो है ठीक कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं आप वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ. और यहाँ पे है मेरा हंस मैकाओ का पेयर, जिसको मैं आज एवियर में रिलीज करूंगा. तो आइए देखते हैं, यही है वो पेयर. पेयर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है. और मैकाओ ग्रुप में, मैकाओ बर्ड में सबसे छोटा बर्ड, सबसे स्मॉलेस्ट मैकाओ जो होता है वो है हंस मैकाओ, सबसे स्मॉलेस्ट मैकाओ. इसके ऊपर आता है सेवियर मैकाओ, और उसके बाद बहुत सारा ब्लू गोल्ड वगैरह और भी बहुत सारा मैकाओ आता है. ठीक है, और ये सबसे छोटा बर्ड होता है मैकाओ में. तो देखिए फीमेल, आप देख सकते हैं फीमेल का पूरा प्लकिंग हो गया है, मतलब चेस्ट का एरिया का एक भी पंख नहीं है, और पीठ का एरिया का भी पूरा पंख इसने खुद से पूरा प्लकिंग करके रखा. और इसी में मेल देखिए कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत ये मेल है. मेल इधर का मेल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है मेल है. और दोनों का दोनों देखिए पूरा एडल्ट हो चुका है. ये आप कैसे समझेंगे एडल्ट हो चुका है, देखिए दोनों का आइज जो है उनके बगल में देखिए एक सर्कल जैसा बना हुआ है, रेड रेड आप लोगों को शायद दिख रहा होगा. ये ब्लैक कैप जाओ यहाँ से, तो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा ये जो रेड रेड जो सर्कल बना हुआ, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एडल्ट हो चुके हैं. ठीक है, और दोनों देखिए एक ही साथ रहते हैं, मेल फीमेल में ऐसे बॉन्डिंग तो बहुत ही अच्छा है. तो देखिए अभी इन लोगों को मैं रिलीज़ करूँगा बाहर, आप लोग देख सकते हैं. मैं और एक बार क्लोज से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को. हाँ, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको आइज़ का सामने, ये इसी का ये पहचान है, ये नोटिस है, ये आइडेंटिफाई है कि आपका पेयर मतलब ये पूरा का पूरा एडल्ट हो चुका है. तो चलिए अभी इन लोगों को रिलीज़ करेंगे. और नया जगह में आने के बाद थोड़ा सा तो दिक्कत होगा. सबसे पहले फीमेल निकल रहा है बाहर, जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. और ये फीमेल मेल दोनों एक ही साथ बाहर आ गया, और यहाँ पे बैठा हुआ फीमेल. और अभी उन दोनों को तो एवियरी में रिलीज़ कर दिया, मतलब जो हंस मैकाओ का मेल फीमेल दोनों को दोनों एवियरी में आ गए. और देखिए मेल फीमेल अभी एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, अभी भी इतना बड़ा एरिया में आने के बाद भी वो लोग एक साथ बैठ रहे हैं दोनों. ठीक है, और अभी मोटा मोटी 3-4 महीने अप्रोक्सीमेटली उसको 3-4 महीना हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो इन लोगों का ब्रीडिंग भी बहुत जल्दी हम लोग को मिल जाएगा. और देखिए दोनों कितना क्लोज आ गए हैं, इसका मतलब ये तो एकदम गारंटी है कि मेल फीमेल में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है. और हम लोग अपने ओपन एवेरी से कुछ कुछ पेयर को सिलेक्ट करके हम लोग इसमें मतलब छोटे छोटे ब्रीडिंग केज में डाल देते हैं, क्योंकि मतलब हम लोग जब नोटिस करते हैं ओपन एवेरी में बहुत सारे पेयर जो है नेचुरल बॉन्डिंग करके अपने में मेटिंग करना शुरू कर देते हैं आपस में, लेकिन वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं हो पाता क्योंकि दूसरे बर्ड्स उनको आके तंग करता है, उसको एक भी ले नहीं करने देते. तो इसीलिए ऐसे कुछ कुछ पेयर हम लोगों ने ला के एक ब्रीडिंग केज उन लोगों को प्रोवाइड किया, तो बहुत सारा रिजल्ट आ गया था हम लोगों के सामने. तो ऐसे ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक पाइनएप्पल और ब्लैक कैप का पेयर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इन पेयर को भी ला के
ओपन एवर से पकड़ के हम लोग ब्रीडिंग केज प्रोवाइड किए। तो इस पेयर ने भी बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस दे दिया, मतलब पहले बार है इसीलिए एक ही चिक्स इन लोगों ने उठा पाया अच्छा से, उनको बड़ा कर पाया खिला के, लेकिन बाकी और तीन जो एग्स थे वो खराब हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत का, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मतलब ये मेरे अंदर एक खुशी हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो ब्लैक कैप का फीमेल दिख रहा है आपको, इसका एक आइज नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा मतलब एक इधर का एक आइज, मतलब बहुत पहले मारपीट के कारण थोड़ा सा फाइट हो गया था इन लोगों में, इसके वजह से इस फीमेल का आँख उन लोगों ने पूरा का पूरा खराब कर दिया था, तब से इसका आँख नहीं है। और अभी देखिए इस पेयर को इसीलिए मैंने अभेरी में छोड़ दिया था, और तब से मतलब देख रहा कि पाइनएप्पल के साथ इसका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा हो गया था, और इसके बाद हम लोग ने इसको पकड़ के ला के ब्रीडिंग केज पर्सनली मतलब यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम लोग देखिए हम लोग को इसका रिजल्ट दिखता है, क्या रिजल्ट दिखता है, आइए रिजल्ट हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही क्यूट था, इसका एक बेबी भी आ गया, पता नहीं बेबी का बड़ा होगा क्या कॉम्बिनेशन आएगा क्या आएगा, लेकिन अभी अभी के लिए ये हम लोगों का बहुत ही खुशी की खबर है, बहुत ही खुशखबरी है। देखिए देखिए एक बेबी है सोरा जो कि अंदर बहुत ही हेल्दी है, चलिए उनको निकालते हैं हाथ में एक बार, और यही रहा वो बेबी। इसका जो फादर है वो पाइनएप्पल है और इसका मादर ब्लैक कैप, तो देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन का बेबी ये क्या होता है बड़ा होकर, लेकिन जो भी हो बेबी तो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस फीमेल से कभी मुझे ब्रीडिंग में मिलेगा भी। तो देखिए तो इतना सारा पेयर हम लोगों ने अभेरी से ला के सिलेक्ट किया है, यहाँ पे सबसे पहला ब्रीड इसी ने कर दिया है। तो चलिए अभी और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बेबी को अंदर रख देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।